अगर वह अग्निवीर था तो उसे सीमा पर दुश्मनों के सामने तैनात क्यों किया गया? लुधियाना के रामगढ़ सरदार गांव की बख्शो देवी जब ये सवाल पूछती है तो उनके चेहरे पर दर्द, गुस्से और नाराजगी का भाव उभर आता है। दरअसल बख्शो देवी के भाई अजय कुमार अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए थे और जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। बीते सोमवार को जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 8वीं लोकसभा के पहले सत्र में अग्निवीर योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो अजय कुमार के परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह को आज भी वह पल याद है जब 18 जनवरी की मनहूस शाम को उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली थी। बेटे की मौत बूढ़े पिता के लिए दुखों का पहाड़ टूटने जैसी थी। चरणजीत सिंह की 6 बेटियां हैं, उनमें से 4 की शादी हो चुकी है। अजय कुमार सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। चलिए जानते हैं परिवार को अब तक क्या वित्तीय सहायता मिली है। परिवार को मिली आर्थिक सहायता के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि उनके परिवार को पंजाब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। साथ ही उनका कहना है कि पिछले दिनों उन्हें सेना में 48 लाख रुपए मिले थे। उन्हें केंद्र सरकार से नाराजगी है। वे कहते हैं केंद्र सरकार ने हमें ना तो कोई शोक पत्र दिया है और ना ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा के लिए गया है। उनकी मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। परिवार का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो दावा किया है वो सच नहीं है। मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुकी है, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया हज तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे भी शहीदा के परिवार को इन्हां दी बनदी जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा था? सोमवार को संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक छोटे से घर में अग्निवीर के परिवारों से मिला था। अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मंगलवार को संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
खबरों के अनुसार बुधवार को सेना ने एक्स पर जारी किए गए एक पोस्ट में इस मामले पर अपनी बात रखी है। सेना की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि में से पहले ही 98,39,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट कर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए होगी। शहीद हुए सैनिक के परिजनों को देय भत्ते का भुगतान शीघ्रता से किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इस योजना के नियमों और इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और युवाओं में निराशा थी। लोकसभा के आम चुनाव और सदन के पहले सत्र में विपक्षी दलों ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार इसे भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने वाला बता रही है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।